नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे 21 मई से लेकर 27 मई तक कैसा रहेगा आपका भाग्य सितारों के मुताबिक, और सितारों के मुताबिक आपका राशिफल आपको बताने के लिए एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अमित पांडे जी, जो कि ज्योतिषी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और जानते हैं कि कैसा रहेगा आपका भाग्य 21 मई से लेकर 27 मई तक। और सबसे पहली राशि मेष राशि की। पंडित जी, मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा इस सप्ताह? मेष राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा 12वें भाव में गोचर कर रहा है शुक्र के साथ। कहीं ना कहीं यह स्थिति बताती है, दर्शाती है कि इस सप्ताह आप काफ़ी खर्च की स्थिति में हैं, अधिक आपको खर्च करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपको अस्पताल में, बीमारी में, इन चीज़ों में अचानक धन आपको खर्च करना पड़ सकता है। दूसरी बात है, लग्न में ही बुध बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं ये आपके विवेक शक्ति के बढ़ने का प्रतीक है, आपके मस्तिष्क के मजबूत होने का प्रतीक है। आप जो भी निर्णय लेंगे वो सारे निर्णय सही साबित होंगे, भविष्य के लिए आपके लिए अच्छे सिद्ध होंगे। रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाई इस सप्ताह अपनी जमा पूंजी बचा के रखें, क्योंकि उनकी जमा पूंजी जहाँ वो निवेश करना चाहते हैं वह ठीक रास्ता नहीं है, ठीक मार्ग नहीं है, आपके निवेश से नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए कतई इस सप्ताह निवेश ना करें। इस सप्ताह शुभ अंक आपका है 3 और शुभ रंग है पीला। तो मेष राशि वालों का शुभ अंक 3 है, शुभ रंग आपका पीला है। और एक खास बात यह कि इस सप्ताह आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके सफल साबित होंगे, सही साबित होंगे। उससे अलग एक और बात यह कि क्या आप अपने निर्णय सही से ले पाते हैं, क्या आपको निर्णय लेने में परेशानी तो नहीं होती, कन्फ्यूज़न की स्थिति तो नहीं होती कि करें या ना करें। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि क्यों होती है ये स्थिति, कुंडली के कौन से ग्रह होते हैं जो आपको निर्णय लेने में रोकते हैं, आप निर्णय नहीं ले पाते, असमंजस्य में रहते हैं, और क्या उपाय हो सकते हैं ज्योतिष के कि आप निर्णय सटीक ले सकें, आपको निर्णय लेने में परेशानी ना हो, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात दूसरी राशि वृषभ राशि की। पंडित जी, वृषभ राशि का राशिफल भी बताएं। वृषभ राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस समय चंद्रमा एकादश भाव में लाभ के स्थान में शुक्र के साथ गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाभ की स्थिति काफ़ी मजबूत बनी हुई है। हाँ, एक अच्छी बात और है कि सप्ताह आपको कोई पुरस्कार मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, किसी क्षेत्र में विशेष उपाधि या सम्मान के आप हकदार हैं इस सप्ताह। रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाई की भी स्थिति बहुत अच्छी है इस सप्ताह। आप जो भी कार्य वर्तमान में कर रहे हैं, चाहे पशुपालन से जुड़े हैं, चाहे पक्षी पालन से जुड़े हैं, चाहे कृषि के अन्य कार्यों में ही लगे हैं, वो सारे काम आपके सही सिद्ध होंगे और सबसे आपको अच्छे मात्रा में पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए है 2 और शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद। तो वृषभ राशि वालों का शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है आपका सफेद। आगे की राशियों पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप पंडित जी से इस कार्यक्रम में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर अपनी डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके भी बता सकते हैं। डिटेल्स में आपको जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान बताना होगा, साथ में लिखना होगा अपना सवाल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। पंडित जी, मिथुन राशि का राशिफल भी बताएं। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति की वजह से। दशम भाव में चंद्रमा शुक्र के साथ पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पे, मतलब मान बढ़े, सम्मान बढ़े, यश बढ़े, धन बढ़े, वाहन भी खरीद सकते हैं, मकान भूमि के भी अच्छे योग बने हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपके परिवार के जन आपका पूर्ण सहयोग करेंगे, आपका आदर करेंगे। रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो मिथुन राशि के किसान भाई अपने काम में बिल्कुल सजग हैं और जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आप ऐसे ही करते रहिए, आपकी सतत उन्नति होती रहेगी। शुभ अंक आपका है 1 और शुभ रंग है लाल। तो मिथुन राशि वालों का शुभ अंक 1 है, शुभ रंग आपका लाल है। बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। पंडित जी, कर्क राशि वालों का भाग्य कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 27 मई तक?
कर्क राशि के दर्शकों को बताऊं कि आपके नवम भाव में चंद्रमा शुक्र के साथ गोचर कर रहा है, मतलब कोई ऐसी यात्रा होने वाली है जो व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई नई अनुबंध करने जा रहे हैं, व्यापारिक समझौते करने जा रहे हैं आप, और ये व्यापारिक समझौते आप यकीन जानिए काफ़ी लाभ देने वाले हैं। एक बात और है, थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर बना के रखें, कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में कटुता आ सकती है, इसलिए ऐसी परिस्थितियों को आप अवॉइड करिए, इससे बचिए। रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाइयों की स्थिति बहुत अच्छी है। अभी आप अपने खेतों में बिल्कुल किसी प्रकार की बुआई ना करें, खेतों को बिल्कुल खुला छोड़ें, कोई उसमें नया कार्य न करें। हाँ, अगले सप्ताह मतलब मानसून आने के बाद 5 जून के बाद आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी और आप जो भी कृषि कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस सप्ताह शुभ अंक आपका है 9 और शुभ रंग है आपका सुनहरा। तो कर्क राशि वालों का शुभ अंक 9 है, शुभ रंग आपका सुनहरा है। फिलहाल कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बाकी बची राशियों का राशिफल भी बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि क्यों रहता है व्यक्ति कंफ्यूज, किन ग्रहों का प्रभाव होता है और कैसे कंफ्यूजन से निकला जाए, कैसे उन ग्रहों को मजबूत किया जाए जो निर्णय लेने में आपको रोकते हैं। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं 21 मई से लेकर 27 मई तक कैसा रहेगा आपका भाग्य सितारों के मुताबिक। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। पंडित जी, सिंह राशि का राशिफल भी बताएं। सिंह राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सिंह राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा व शुक्र एक साथ गोचर कर रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसे विद्यार्थी वर्ग के लोग जो शोध कार्य में लगे हुए हैं, जो कोई रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह उपाधि मिलने का योग है, मतलब उनकी रिसर्च कंप्लीट होने वाली है और शोधार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, यह सप्ताह बहुत अच्छा है। अच्छी बात यह है कि अष्टम का चंद्रमा द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि दे रहा है, तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, किसी भी प्रकार का आर्थिक तनाव आपको नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं से पैसों की आवक बनी रहेगी। रही हमारे किसान भाइयों की बात, तो किसान भाई बिल्कुल निश्चिंत रहें, उन्हें किसी प्रकार का टेंशन नहीं है और वो बिल्कुल सही स्थिति में है, आने वाला भविष्य उनके लिए सुनहरा है, अच्छा है। इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए है 8 और शुभ रंग आपके लिए है नीला। तो सिंह राशि वालों का शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है आपका नीला। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि की। पंडित जी, कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 27 मई तक। कन्या राशि के वर्तमान में बृहस्पति लग्नस्थ गोचर कर रहा है, इसलिए आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, थोड़ा वक्री जरूर है इसलिए मानसिक तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन सप्तम भाव में चंद्रमा शुक्र के साथ गोचर कर रहा है, मतलब व्यापारिक की स्थिति काफ़ी मजबूत है और जो लग्न पर दृष्टि पड़ रही है इसका मतलब आप बड़ी मेहनत के साथ अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। एक और अच्छी बात है, इस सप्ताह आपको नए विवाह प्रस्ताव भी प्राप्त होंगे और यदि आपके दाम्पत्य में कोई अड़चन है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है अपने जीवन साथी के साथ, किसी प्रकार की कटुता है, अनबन है, तो वह भी आप यकीन जानिए इस सप्ताह समाप्त हो जाएगी। किसान भाई भी इस सप्ताह बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे और उनकी कृषि का कार्य बिल्कुल सुचारू ढंग से, अच्छे ढंग से चलने वाला है। आपके लिए इस सप्ताह शुभ अंक है 7 और शुभ रंग आपके लिए है धूम्रवर्ण। तो कन्या राशि वालों का था ये राशिफल। आगे की राशियों पर चर्चा करें उससे पहले चलिए जानते हैं कि कब आती है वो स्थिति जब व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, सटीक निर्णय नहीं ले पाता, असमंजस में रहता है कि क्या करे क्या ना करे, किन ग्रहों का ये प्रभाव होता है और क्या इससे निजात के उपाय हो सकते हैं ज्योतिष के, जो आपको निर्णय सटीक निर्णय लेने में सक्षम बनाए, सब कुछ जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अक्सर देखा जाता है कि लोग निर्णय नहीं ले पाते, कन्फ्यूजन रहता है उनमें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कब ये स्थिति आती है, क्या ये ग्रहों का प्रभाव होता है और अगर ये ग्रहों का प्रभाव होता है तो कैसे इसको ठीक किया जा सकता है कि व्यक्ति सटीक निर्णय ले सके। देखिए स्मिता जी, जब हम बात करते हैं निर्णय की, तो निर्णय लेने की जो क्षमता है इंसान के अंदर वो दो चीज़ों से आती है, एक तो उसके मन की स्थिति क्या है, दूसरी उसकी बुद्धि प्रज्ञा शक्ति कितनी है उसके अंदर। तो इन दो चीज़ों का कारक, मन का कारक चंद्रमा
और आत्मविश्वास आत्मा का कारक सूर्य। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा और सूर्य ये दोनों अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति अगर गलती से भी कोई गलत निर्णय ले तो उसका सही सिद्ध हो जाता है, भविष्य में उसके ऐसे अच्छे परिणाम आते हैं। लेकिन यदि सूर्य खराब हो चंद्रमा भी खराब हो तो ऐसा व्यक्ति पहली बात तो कोई निर्णय नहीं ले पाता है, यदि निर्णय लेने की स्थिति आ जाए तो वो जो निर्णय लें वो सारे निर्णय उसके गलत सिद्ध होते हैं, कभी सही निर्णय लेता ही नहीं है ऐसा व्यक्ति। सूर्य राहु से पीड़ित हो जाए, चंद्रमा राहु से पीड़ित हो जाए, सूर्य नीच का हो या चंद्रमा नीच का हो तो ऐसा व्यक्ति पहली बात तो निर्णय आज लेना है तो एक महीने बाद लेगा, समय पर निर्णय नहीं ले पाएगा, और जब लेगा तो कौन कहे उसके अच्छे परिणाम आने के, सारे उल्टे सीधे परिणाम आएंगे और फिर वह अपने भाग्य को दोष देना आरंभ कर देगा। ये तो हो गई ग्रह स्थितियाँ। अब बताऊं कि इसका उपाय क्या, कैसे आप बच सकते हैं। आप एक बार अपनी जन्म कुंडली देखिए, यदि आपके जन्म कुंडली में सूर्य राहु की युति है, सूर्य तुला राशि में है, या सूर्य जो है किसी भी तरह से पाप विकसित है, शनि से दृष्ट है, तो ऐसे में निश्चित रूप से आपकी निर्णय शक्ति काफ़ी कमजोर है, खास करके जब काफ़ी कठोर निर्णय लेने की स्थिति आए तो ऐसे में तो आप बिल्कुल निर्णय ले ही नहीं पाएंगे, और लेंगे तो बार डर डर के लेंगे। तो ऐसे में क्या करना है आपको, आंख बंद करके 10 मिनट 12 मिनट आपको अपने दाहिनी आंख के ऊपर उगते हुए सूर्य का ध्यान कर लेना है। सूर्य जैसे लालिमा के साथ उगते हैं प्रातः काल में, ऐसा सूर्य आपके दाहिनी आंख के ऊपर हैं, उनकी स्थिति ऐसी है, ऐसा आपको कल्पना करते हुए उनको देखना है, बंद आंखों से, खुली आंखों से नहीं। ये उपाय करने से आपका विल पावर निश्चित रूप से बढ़ने लगेगा। ये उपाय आप 14 से 16 दिन करिए, आप देखेंगे कि आपका विल पावर बढ़ेगा और आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं उसमें काफ़ी स्पष्टता होगी। दूसरा उपाय चंद्रमा के लिए क्या करना है, थोड़ा सा चावल ले लीजिए, खाने वाला चावल, उसको अपने हाथों में जैसे जल से हाथ धोया जाता है उसी प्रकार उस चावल से अपने हाथों को धोइए। यह उपाय करने से आपकी मन की स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। तो आप ये उपाय करें, आप देखेंगे कि आपका मन काफ़ी मजबूत होगा। पंडित जी ने आपको बता दिया है कि अगर आपको निर्णय लेने में परेशानी होती है तो वो किन ग्रहों का प्रभाव हो सकता है और कैसे आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं ज्योतिष के ये कुछ अचूक उपाय करके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। पंडित जी तुला राशि का राशिफल भी बताएं। तुला राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा छठे भाव में गोचर कर रहा है, खास करके तुला राशि की जो महिला वर्ग है वह ज़्यादा परेशानी सप्ताह रहेंगे अपने स्वास्थ्य को लेकर के। इसलिए तनिक भी शरीर में यदि दर्द की स्थिति दिखाई दे तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें, डॉक्टर को दिखाएं और उचित इलाज कराएं, इससे आपके स्वास्थ्य की कठिनाई कम होगी, नहीं तो ये लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। हाँ, जिन लोगों की अभी तक नौकरी नहीं लगी है, जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा सिद्ध होने वाला है और सफलता देने वाला सप्ताह है, मतलब आपकी नौकरी लग जाएगी और कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा में आप सफल रहेंगे। अब रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाई सब तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा अपने भाई बंधुजनों से थोड़ा सावधान रहें, भाई बंधुजनों से किसी प्रकार का आपको कृषि का कार्य लेकर के विवाद हो सकता है, ऐसी परिस्थिति से अवॉइड करें। इस सप्ताह शुभ अंक आपका है 6 और शुभ रंग आपका है गुलाबी। तो तुला राशि वालों का शुभ अंक 6 है, शुभ रंग आपका गुलाबी है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। पंडित जी वृश्चिक राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा इस सप्ताह। वृश्चिक राशि के दर्शकों को बताऊं कि चंद्रमा पंचम भाव में है तो कहीं ना कहीं संतान से सुख मिलेगा, और ऐसे लोग जिन्हें अभी तक संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति के भी योग दिखाई दे रहे हैं, संतान का अच्छा योग है। ऐसी हमारी कन्याएं जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनकी विवाह की बात इस सप्ताह बनने जा रही है, विवाह उनका इस सप्ताह तय हो जाएगा। तीसरी बात, इस सप्ताह वृश्चिक राशि के लोगों को शिक्षा में अपार सफलता मिलने के योग है। हाँ, रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाई बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि वृषभ राशि में अभी मंगल गोचर कर रहा है, जब तक ये मंगल वृषभ राशि मतलब आपके सातवें भाव में गोचर करता रहेगा तब तक आपका सब अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा नहीं होने वाला है, चाहे आप जिस भी प्रकार की खेती कार्य कर रहे हैं। शुभ अंक आपका है 5 और शुभ रंग आपका है हरा। तो ये था वृश्चिक राशि का राशिफल। फिलहाल कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो लेंगे आपके सवाल भी, साथ में होंगी बाकी बची 4 राशियां भी। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं 21 मई से 27 मई तक कैसा रहेगा आपका भाग्य सितारों के मुताबिक। अगली राशि पर बात करें, उससे पहले बात कर लेते हैं अपने एक दर्शक की जिन्होंने हमें अपना सवाल भेजा है मुंबई से। इनका नाम है रिद्धि जगदीश जी, परमार जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1993 जी। समय है सुबह 10:18 और जन्म का स्थान है मुंबई महाराष्ट्र। इनका सवाल है कि इनके पति का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है इनकी, कब तक ठीक हो सकेगी, कोई उपाय हो तो बताएं। जी देखिए, रिद्धि जी की तुला लग्न की कुंडली है और जन्म राशि भी इनकी तुला है। लग्न में चंद्रमा मंगल बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ है और पारिवारिक रूप से तो काफ़ी समृद्ध थी। लेकिन सितंबर 2014 के बाद कुछ ऐसा जरूर हुआ है कि काफ़ी आर्थिक तंगी से ये जूझ रही हैं, इनका पूरा परिवार जूझ रहा है। उसका कारण है कि बृहस्पति द्वादश भाव में बैठा है, खर्च के स्थान में बैठा है, व्यय के स्थान में बैठा है, और उस पर भी नवंबर 2016 के बाद से तो स्थितियाँ इतनी विपरीत हो गई हैं कि अब जीना हो गया है। मतलब काफी बुरी स्थिति आर्थिक रूप से आ जाती है ऐसे लोगों की। क्यों? क्योंकि बृहस्पति और शनि ये दोनों खडाष्टक योग कर रहे हैं, ऊपर से शनि की दशम भाव की दृष्टि इनकी द्वितीय भाव पड़ रही है, धन के स्थान पे पड़ रही है। मतलब जो कुछ इन्होंने अपनी सेविंग की थी वह सेविंग भी इनकी अब खर्च हो रही है, और वहां पर नीच का राहु बैठा हुआ है, वृश्चिक का राहु बैठा हुआ है, तो कुल मिलाकर के आर्थिक रूप से तो वाकई में इनकी स्थिति खराब है। लेकिन आप घबराएं नहीं, यह आपके प्रारब्ध का फल है जो मिल रहा है, और हर इंसान को यह भोगना पड़ता है कभी न कभी अपने प्रारब्ध का फल। इसे डरना नहीं चाहिए, परिस्थितियों का डट के सामना करना चाहिए। आपको बहुत छोटा सा बहुत आसान उपाय बताता हूँ, यह करिए, निश्चित रूप से ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल स्वर्णिम काल आ जाएगा, बिल्कुल गोल्डन एरा की शुरुआत हो जाएगी। क्या करना है आपको? एक तो आप सफ़ेद चंदन का प्रयोग करना शुरू कर दें। सफ़ेद चंदन घिस के आप अपने पति के माथे पे लगाना आरंभ करें। आपके पति जब भी घर से बाहर जाएं तो माथे पे सफ़ेद चंदन लगा के जाएं। दूसरी बात, कभी भी पति आपके बिना घर से ब्रेकफास्ट किए ना जाने पाए, ये आप उचित रूप से हमेशा इसका ध्यान रखें। और सबसे अंतिम में लेकिन सबसे अच्छा और ज़रूरी उपाय क्या करना है वो बता दूं। आप अपने जीवन की एक डेली शैली बना लीजिए। क्या बनाना है आपको? आपको पर डे एक सुंदर कांड का पाठ करना है। यह पाठ आप अनवरत एक वर्ष तक करिए, धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी आरंभ हो जाएगी और आपके सुख के दिनों की शुरुआत हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं रिद्धि जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और ज्योतिष के जो उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं वो आपकी समस्या में मददगार साबित ज़रूर होंगे। हमारी ये गुजारिश है दर्शकों से कि आप जब हमें अपने सवाल भेजते हैं तो जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान सवाल के साथ लिख कर भेजें, तो हमारे लिए आपके सवाल का जवाब देना थोड़ा आसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। पंडित जी धनु राशि का राशिफल भी बताएं। धनु राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में मतलब रविवार के दिन आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, कहीं ना कहीं यह स्थिति काफ़ी सकारात्मक है आपके लिए। आपके यश की वृद्धि होगी, वाहन के भी अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि माता का भी पूर्ण आशीर्वाद और पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी। कोई नया काम कर सकते हैं, अमूमन जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, इसके योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं। दशम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है और उस पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है, तो खास करके ऐसे धनुराशि के लोग जिनकी अभी तक नौकरी नहीं लगी है उनकी इस सप्ताह नौकरी लग सकती है, और जो पहले से नौकरी पेशे में लगे हुए हैं उनकी पदोन्नति की भी योग दिखाई दे रहे हैं, मतलब उनकी सैलरी बढ़ेगी और उनकी पद की भी वृद्धि होगी। रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाई आनंद करें, उन्हें कोई आपत्ति कोई दिक्कत इस सप्ताह नहीं है, परिवारजनों का बिल्कुल पूर्ण सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह शुभ अंक आपका है 4 और शुभ रंग है आसमानी, इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो शुभ अंक 4 है धनु राशि वालों का और शुभ रंग आपका आसमानी है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली राशि मकर राशि की। पंडित जी मकर राशि का भविष्य कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 27 मई तक? मकर राशि के दर्शकों को बताऊं कि इनके तृतीय भाव में चंद्रमा शुक्र एक साथ गोचर कर रहे हैं, यहाँ मिला जुला असर दिखाई देगा। क्या? एक तो पैसे आएंगे, लेकिन इनकी अपनी लापरवाही की वजह से, कोई गलती की वजह से इनका एक बड़ी मात्रा में धन के नुकसान का योग दिखाई दे रहा है।
अब रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाई इस सप्ताह बड़े परिश्रम करेंगे, बड़ा मेहनत करेंगे, लेकिन अभी आपको कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। थोड़ा धैर्य रखें, यह सप्ताह काम की दृष्टि से बड़ा अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहेंगी, जिसकी वजह से काम अपने सही स्थिति में नहीं पहुँच पाएगा। इस सप्ताह शुभ अंक आपका है 3 और शुभ रंग आपका है पीला। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग मकर राशि वाले लोग करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो मकर राशि वालों का शुभ अंक 3 है, शुभ रंग आपका पीला है। बात कर लेते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। पंडित जी, कुंभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा पूरे सप्ताह? कुंभ राशि के दर्शकों को बताऊं, कुंभ राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है शुक्र के साथ रविवार से बुधवार तक। तो कहीं ना कहीं यह जो परिस्थिति इनके लिए है, आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत बनाती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि का योग दिखाता है। कहीं ना कहीं से आपको बैंक से सहायता मिल सकती है, अनुबंध मिल सकता है। रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाई बिल्कुल इस समय का आनंद लें। इस सप्ताह जो भी काम आप करना चाहते हैं, अपने भविष्य की खेती के लिए जो धन की व्यवस्था करना चाहते हैं, वो धन की व्यवस्था इसी सप्ताह हो जाएगी। मतलब आगामी भविष्य की नींव इस सप्ताह पड़ने वाली है। रही बात शुभ अंक की, तो शुभ अंक आपका है 2 और शुभ रंग आपका है दूधिया। तो कुंभ राशि वालों का शुभ अंक 2 है, शुभ रंग दूधिया है। बात कर लेते हैं आखिरी राशि मीन राशि की भी। पंडित जी, मीन राशि का भविष्य कैसा रहेगा पूरे सप्ताह 21 मई से लेकर 27 मई तक? मीन राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि लग्न में ही चंद्रमा है शुक्र के साथ है, बड़े आनंद का समय बीतेगा, पूरे सप्ताह प्रसन्न रहेंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं, मनोरंजनदायी यात्राओं के हिस्सा बन सकते हैं, फिल्में देखने जा सकते हैं। मतलब कुल मिला के आनंद उत्सव का सप्ताह है। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी ज़्यादा लापरवाही बरतने में भविष्य में नुकसान हो सकता है। मतलब आज आपसे कुछ ऐसा हो जाए जिसका परिणाम बुरा मिले आपको भविष्य में, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखें। रही बात हमारे किसान भाइयों की, किसान भाइयों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं, करें। कोई भी निर्णय आपका गलत सिद्ध नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। इस सप्ताह शुभ अंक आपका है 1 और शुभ रंग है मैरून। तो सितारों की चाल के मुताबिक कैसा रहेगा 12 राशियों का ये सप्ताह, पंडित जी ने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि पंडित जी के बताए ये उपाय आपके काम इस सप्ताह जरूर आएंगे। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जी, आपका भी। जी, तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के राशिफल के साथ। लेकिन अगर आप पंडित जी से इस कार्यक्रम में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं, उस नंबर पर आप अपना सवाल हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कॉल करके भी बता सकते हैं। डिटेल्स में आपको जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखकर भेजना होगा। साथ में अपना नाम लिखना आप बिल्कुल ना भूलें। सवाल सटीक और सीधा लिखें ताकि जवाब देना आसान हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते। नमस्ते।